नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के 20 जिलों में जमीन मालिकों को बांटा जाएगा खाना पूरी पर्चा। बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का हुआ तबादला। 6 साल बाद एक बार फिर से गोलघर पर चढ़ेंगे लोग। वज्रपात से हुई 30 से अधिक लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। लेट्स गेट मैरिड ट्रेलर लॉन्च के दौरान एमएस धोनी ने योगी बाबू को छेड़ा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार की ओर से बिहार प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें संजय कुमार, अजीत कुमार सिंह, सोमेश बहादुर, मनोज कुमार, मोहम्मद मुमताज आलम, संजय कुमार, राशिद कलीम, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार, अरुण कुमार सिंह, अंजनी कुमार, ज्योति कुमार, आशीष कुमार सिन्हा, रविंद्रनाथ प्रसाद सिंह, अमरिंदर शाही, डॉक्टर गगन, विधु भूषण चौधरी और सुनील कुमार के नाम शामिल हैं। राज्य के 20 जिलों में जमीन मालिकों को बांटा जाएगा खाना पूरी पर्चा। बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाया जा सके इसके लिए जमीन मालिकों को लैंड पोजीशन मैप के बगैर एक सप्ताह में खाना पूरी पर्चा वितरित किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है। बता दें कि इस व्यवस्था से करीब 600 मौजों में खाना पूरी के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में 20 जिलों के 89 अंचलों के 208 शिविरों में 4927 गांव में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, जिनमें से करीब 550 मौजों में अंतिम प्रकाशन हो चुका है। यानी कि इन स्थानों पर सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया तो वहीं करीब 1500 सहित 27000 मौजों में अक्टूबर 2023 तक अंतिम प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि जिन जिलों में सर्वे का काम किया जा रहा है उनमें किशनगंज, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिम चंपारण, शिवहर, बांका, शेखपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, नालंदा, खगड़िया, अरवल, मधेपुरा और जमुई शामिल है। नियोजक शिक्षक सोशल मीडिया से हटा रहे प्रदर्शन वाली तस्वीर। जब से प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही करने का फैसला लिया गया है तब से शिक्षकों में डर देखा जाने लगा है। बता दें कि अब तक दर्जन भर शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है क्योंकि वे सभी शिक्षक 11 जुलाई को पटना में हुए प्रदर्शन में शामिल थे। इन सभी चीजों को देखते हुए अब नियोजित शिक्षक सोशल मीडिया से प्रदर्शन के दिन की फोटो भी डिलीट करने लगे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वह फोटो देखकर उन्हें भी निलंबित किया जा सकता है। बता दें कि शिक्षक के ऊपर की जा रही इस कार्रवाई से शिक्षक संघ के द्वारा कड़ा विरोध किया गया है और इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया गया। वहीं महागठबंधन की सहयोगी पार्टी भाकपा माले की सरकार भी इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। बता दें कि इस कार्रवाई पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा कहा गया कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है क्योंकि शिक्षकों को अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह प्रदर्शन पूर्व में सूचित कर दिया गया था लेकिन सरकार शिक्षकों को निलंबन करके कार्यवाही कर रही है जो गलत है। 6 साल बाद एक बार फिर से गोलघर पर चढ़ेंगे लोग। बहुत जल्दी एक बार फिर से पटना के ऐतिहासिक गोलघर को देखने आने वाले लोगों को इनकी घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका मिलेगा। दरअसल पिछले 6 सालों से बंद पड़ा यह गोलघर एक बार फिर से लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है। मालूम हो कि गोलघर पर लोगों को चढ़ना इसलिए बंद किया गया था क्योंकि गोलघर की सीढ़ियां टूट चुकी थी और कई जगह पर क्रैक आ गए थे। ऐसे में सीढ़ियों की मरम्मत करनी जरूरी थी जिसकी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दी गई थी। ऐसे में अब यह काम लगभग पूरा हो चुका है और अब सीढ़ियों का निरीक्षण करवाया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो इसे फिर से आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोलघर के मरम्मत का कार्य लगभग 96 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मालूम हो कि 20 जुलाई 2023 को पटना का यह ऐतिहासिक गोलघर 237 साल का हो जाएगा। वायुसेना में भर्ती का बड़ा मौका। वायुसेना की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक के लिए 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से 17 अगस्त की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि इसके पहले फेज की ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि इस भर्ती में भाग लेने के लिए विज्ञान संकाय के वैसे युवक युवती योग्य हैं जो 12वीं में 50% अंकों के से पास हैं। इसके साथ ही अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक है। बता दें कि अधिकतम 21 वर्ष तक के युवक युवती इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना में बताया गया है कि अग्निवीर वायु इंटेक की परीक्षा 2 चरणों में पूरी की जाएगी जिसमें से पहले चरण के तहत ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी चरण 2 यानी कि शारीरिक दक्षता व मेडिकल जांच में शामिल होंगे। बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए 48 से 72 घंटे पहले अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा।
वज्रपात से हुई 30 से अधिक लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। बिहार में मॉनसून के साथ ही वज्रपात से मरने वालों की संख्या 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 30 से अधिक हो चुकी है। मालूम हो कि बीते दिन भी वज्रपात से 12 जिलों के 17 लोगों की मौतें हुई हैं, जिनमें रोहतास में 5, औरंगाबाद में 2, बक्सर में 2, अरवल में 1, किशनगंज में 1, कैमूर में 1, वैशाली में 1, सिवान में 1, पटना में 1, अररिया में 1 और सारण में भी 1 व्यक्ति शामिल है। इन सभी की मौतों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि कल देर शाम से अब तक राज्य के कई जिलों के लोगों की वज्रपात से मौत बेहद ही दुखद है। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरते और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करे। खराब मौसम में घर में रहें और सुरक्षित रहें। वंदे भारत में बिना कारण अलार्म दबा ड्राइवर से बात करना पड़ेगा महंगा। अब बिहार वासियों को भी पटना से रांची जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि बीते एक महीने में आरपीएफ द्वारा 3 ऐसे यात्रियों को कड़ी चेतावनी दी गई है जिन्होंने कोच में लगे इमरजेंसी टॉप बटन का मिसयूज किया है। बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बटन को दबाता है तो उसका वीडियो सीधे इंजन में बैठे लोको पायलट को दिखता है, ताकि अगर कारण उचित रहे तो यात्री को मदद मिल सके। वहीं अगर कारण उचित न रहे और बेवजह अलार्म बजाया जाए तो यात्री पर कार्यवाही की जाए। मालूम हो कि इन सब के बीच कई लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह बटन का इस्तेमाल कर ट्रेन के ड्राइवर को परेशान करते हैं, जिससे ट्रेन का परिचालन प्रभावित होता है। इसको देखते हुए रेलवे के द्वारा यह खास कदम उठाया गया है कि अब बेवजह ऐसा करने वाले यात्रियों पर कार्यवाही की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम नीतीश ने की घोषणा। इन दिनों पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं अब इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सब कुछ साफ करते हुए यह कह दिया गया है कि बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा यह बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कही गई है, जो उनके पास मुख्यमंत्री आवास पर भेंट करने के लिए पहुंचे थे। वहीं इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह भी कहा गया कि वह अपने प्रयास से भी कोशिश करेंगे कि यह नियम देश में भी लागू न हो पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना उबैदुल्ला अजदी, मौलाना अतिकउर रहमान बस्तवी, मौलाना बद्र अहमद तथा मौलाना अनिसउर रहमान कासमी शामिल थे। पटना के गांधी मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी शुरू। पटना के गांधी मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर पटना प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि के द्वारा पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कुमार रवि के द्वारा समारोह की सभी तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों व विभागों को दायित्व सौंपा गया है, जिनमें बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था करने का दायित्व भवन निर्माण विभाग को दिया गया, जो डीएम व एसएसपी से नक्शा अनुमोदित कराकर यह व्यवस्था करेंगे। वहीं परेड निरीक्षण और झांकियों के रास्ते व प्रवेश द्वार पर ब्रिक पिचिंग और लोगो के बैठने की व्यवस्था की जिम्मेदारी नजारत उप समाहर्ता व एडीएम विधि व्यवस्था को दी गई है, जबकि बिजली विभाग को गांधी मैदान के चारों ओर सभी हाई मास्ट लाइट को चालू हालत में रखने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संयुक्त परेड व पूर्वाभ्यास के दौरान पेयजल, चिकित्सा दल और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि सभी महत्वपूर्ण गेट के नजदीक एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। वहीं पटना मेट्रो के कार्यों को ध्यान में रखकर ट्रैफिक पुलिस प्लान बनाया गया है। जेपी गंगा पथ पर इस दिन से गायघाट तक फर्राटा भरेंगे वाहन। जेपी गंगा पथ में गायघाट के समीप बचे हुए एक स्टैंड पर सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। वहीं अब इसके फिनिशिंग काम अंतिम चरण में है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त से पहले जेपी गंगा पथ में गायघाट तक वाहन फर्राटा भरना शुरू कर सकता है। मालूम हो कि जेपी गंगा पथ में गायघाट तक चालू होने से दिघा से गायघाट तक जाने आने में लोगों को केवल 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसके साथ ही एक वैकल्पिक रास्ता तैयार होने से लोगों को गांधी मैदान से गायघाट तक आने जाने में अशोक राजपथ में होने वाले जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। वहीं जेपी गंगा पथ घाट तैयार होने पर 12.5 किलोमीटर आने जाने की सुविधा होगी। मालूम हो कि अभी दिघा से पीएमसीएच तक 7.7 किलोमीटर में ही आने जाने की सुविधा है। बिहार की राजधानी में कई जगह पर मिलने लगा सस्ता टमाटर। बिहार की राजधानी पटना के लोगों को टमाटर के आसमान छूते दामों से थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर गांधी मैदान स्थित बिस्कोमान भवन के पास बीते दिन यानी कि शनिवार से 90 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने की शुरुआत की गई है। वहीं अब शहर के 40 जगहों पर 90 रुपए प्रति किलो टमाटर मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण में बिहार के अन्य जिलों में भी टमाटर 90 रुपए प्रति किलो मिलने वाला है, जिनमें से गया, नालंदा, वैशाली और सारण जिला शामिल है। मालूम हो कि इसकी शुरुआत बिस्कोमान के चेयरमैन विधान पार्षद डॉक्टर सुनील सिंह के द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से निफेड के सहयोग से यह काम किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मजदूर के बेटे को एक्टिंग में मिला स्कॉलरशिप।
कहते हैं कि प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती। इस बात को बिहार के मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके के अंबेडकर नगर के रहने वाले राजू सहनी ने सच कर दिखाया है। बता दें कि राजू सहनी का चयन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। वहीं स्कॉलरशिप पाने पर राजू सहनी का कहना है कि वह स्कॉलरशिप की मदद से उनके एक्टिंग के सपनों को उड़ान भरेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजू एक्टिंग में देश भर के कई बड़े मंच पर परफॉर्म कर चुके हैं। इन्होंने अपने थिएटर की पढ़ाई वर्धा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पूरी की है। वहीं राजू वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उनका कहना है कि वह आगे भी अपना एक्टिंग जारी रखेंगे और बड़ा अभिनेता बनकर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत का मामला। बीते 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा किए जा रहे विधानसभा मार्च में पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गंभीर चोटें आई थी। वहीं जहानाबाद के बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी, जिसका कारण बीजेपी के द्वारा लाठीचार्ज को बताया गया था। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण के द्वारा इस मामले में याचिका दाखिल करवाई गई है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा के द्वारा कहा गया कि याचिका के जरिए इस मामले की जाँच या फिर SIT के गठन की मांग की गई है, और साथ ही इस मामले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पक्षकार बनाया गया है, जबकि मुख्य सचिव और DGP के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि विजय सिंह की मौत का कारण अधिकारियों की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान उनकी मौत हृदय की बीमारी के कारण सड़क पर गिरने से हुई। सुशील मोदी ने CM से मांगा खर्चा का हिसाब। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया कि जब सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों का वेतन नहीं दे पा रही तो नए शिक्षकों के वेतन मद में सालाना 11,000 करोड़ रुपए कैसे देगी, ये पैसे कहां से आएंगे सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों के वेतन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, केंद्र सरकार की ओर से इसमें केवल सहयोग किया जाता, लेकिन राज्य सरकार द्वारा केंद्र से शिक्षक वेतन मद में सहायता राशि न मिलने का दुष्प्रचार कर रही है। जबकि सच यह है कि बिहार सरकार ने पिछले साल के खर्च का हिसाब और उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं दिया। ऐसे में जितनी जल्दी सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को सौंपेगी, उन्हें केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान की सहायता राशि मिल जाएगी। लेट्स गेट मैरिड ट्रेलर लॉन्च के दौरान MS धोनी ने योगी बाबू को छेड़ा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के द्वारा हाल ही में अपने प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड का ट्रेलर और ऑडियो को लॉन्च किया गया। बता दें कि MS धोनी का एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वह साउथ के मशहूर अभिनेता योगी बाबू के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में धोनी को केक का एक टुकड़ा खुद खाते हुए देखा जा सकता है। वहीं अभिनेता योगी धोनी को केक का टुकड़ा खिलाने के लिए एक चम्मच खोज रहे हैं। इस वीडियो में धोनी काफी अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं बाद में दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाते और मुस्कुराते भी नजर आते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने बचाव हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव, नूनू गोलू कुमार, मुट्टू रंगीला, बाबूलाल मरांडी, कुश कुमार यादव, पवन सिंह, अरुण प्रभाकर, ज्योति कुमारी, स्मिता राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि कुमार राम, त्रिलोक कुमार, नौसद अंसारी, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में अब टमाटर की क्या कीमत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।